मंत्र जप करते हैं तो आपके ही नहीं सभी के मन में गंदे विचार आते ही, और विचार आने स्वाभाविक। विचार गंदे भी कई प्रकार के होते हैं। एक विचार होते हैं जो हमारी सोच से परे होते हैं, एक विचार वह होते हैं जो हमारी सोच में होते हैं, जो हमारी दिनचर्या में होते हैं। यह सब प्रारब्ध बस आते हैं। बंधुओं, विचार तो आएंगे ही, अच्छे आएंगे या बुरे, यह आपके ऊपर भी निर्भर करता है। क्या आप दिन में क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या पढ़ते हैं? केवल तीन प्रकार से ही विचार आते हैं, पढ़ना, सुनना और देखना। तो बंधुओं, आप जैसा चाहें तो आप ऐसे ही विचार अपने अंदर ला सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। अनंत जन्मों से यह मन संसार में भटक रहा है। अच्छा भी देखता है, बुरा भी देखता है, अच्छा भी सुनता है, बुरा भी सुनता है, अच्छा भी पढ़ता है, बुरा भी पढ़ता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुनें, तो आपको अच्छे विचार ही आएंगे, और आप बुरा देखें, बुरा सुनें, बुरा पढ़ें, तो गंदे ही विचार आएंगे। बंधुओं, मन को जिस तरह की आदत पड़ जाती है वह उसी तरह के विचार लेता है, और जब करते समय, ध्यान करते समय, तो यह मन वही विचार लेता है जैसा इसका स्वभाव आपने बना रखा है। तो इसका जो विचार है, जो स्वभाव है, वो है आपके द्वारा बना हुआ है, अपना इसका स्वभाव नहीं। अपना स्वभाव तो इसका परमात्मा से मिलने का है, परमात्मा से जुड़ने का है। जिस तरह से आप तड़पते हैं अच्छे विचारों के लिए, अच्छी वाणी सुनने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, ऐसे ही मन भी चाहता है, लेकिन आप यह प्रयास करते नहीं। सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करते, अभ्यास नहीं करते। तो बंधु, आप प्रयास करें अच्छा सुनना, अच्छा देखना, तो आपके अंदर वह जो पुराने विचार हैं वह धीरे धीरे मंत्र जप से, ध्यान से समाप्त होते चले जाएंगे, और जब आप अच्छा सुनेंगे और देखेंगे तो आपके अंदर नए विचार नहीं आएंगे। और बंधुओं, अब बात यह है कि क्या करें। इसको करने के लिए जो हमने बताया वही करना है, और सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि मन जो है विचारों से भरा हुआ है, इसको विचारों से खाली करना होगा। और खाली कैसे होगा? मन विचारों से खाली जब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करेंगे और ध्यान करेंगे। इस चीज की परवाह न करें कि गंदे विचार आ रहे हैं या अच्छे विचार आ रहे हैं। विचार आ रहे हैं, उनको जाने दें। मंत्र जप से और ध्यान से मन के अंदर जो मैल है, जो गंदगी है, वह बाहर निकलती है। इसलिए आप उस पर ध्यान न दें। जो गंदगी बाहर निकल रही है अंदर से, उसको निकलने दें। आप अपने मंत्र में, जप में, ध्यान में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहें। तो बंधु, आप समझ गए होंगे कि गंदे विचार क्यों आते हैं।
और इसका क्या उपाय है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।